brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो राजा भैया ने कर दिया है बड़ा दावा। दावा कि फंस गया है इस बार का चुनाव, और उस पर भी राजा भैया का सबसे बड़ा दावा पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने को लेकर, जो फैला सकता है सियासी सनसनी। तो राजा भैया ने पीएम मोदी के हैट्रिक पर क्या कहा, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे एक सियासी पंडित की मानिंद राजा भैया कर रहे हैं दावा कि इस बार की जंग आसान नहीं, और क्यों और किसकी सीटें फंस रही हैं, वो ये भी क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं पूरी क्रोनोलॉजी। आपको इस बार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं दोनों गठबंधनों की ओर से, आप किसी का हिस्सा अभी नहीं है, इसलिए शायद आप एक विश्लेषक के रूप में आप बेहतर जो भी विश्लेषण करना हो आप पूछ सकती हैं, निष्पक्ष बताएंगे आपको। टक्कर चल रही है यूपी की सीटों पर। हाँ, कई सीटें फंसी हुई, 80 स्वीप। बिल्कुल, देखिए कई सीटें फंसी हुई, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, देखिए आपने हमारी पदोन्नति कर दी, अच्छा किया, धन्यवाद इसके लिए। कई सीटें ऐसी हैं कि जहां प्रत्याशी के प्रति जनता की नाराजगी है, जहां प्रत्याशी की अलोकप्रियता वो भारी पड़ रही है, और ऐसी कई सीटें, हम नाम नहीं लेंगे ना आप पूछिएगा, लेकिन ये समस्या अभी है, क्योंकि जीतने के बाद प्रत्याशी का जो कार्यशैली, जो व्यवहार, जो क्षेत्र में, देखिए हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये बात हमको नहीं भूलना चाहिए, और जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व जनता जनार्दन के प्रति होता है, और जो व्यवहार हमारा चुनाव लड़ते समय होता है, विनम्रता का, शालीनता का, सर्वसुलभता का, वही व्यवहार अगर चुनाव जीतने के बाद अगर कायम रख पाए कोई, तो ये बहुत बड़ी सफलता होती है। तो राजा भैया सीटों का नाम तो नहीं लेते, लेकिन एक बड़ा इशारा जरूर देते हैं, कह देते हैं कि फाइट टाइट है, और जहां जहां मामला फंस रहा है वहां जिम्मेदार हैं उम्मीदवार। हालांकि जिस तरह से राजा भैया बोलते हैं तो लग रहा है कि उनका सीधा निशाना कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद विनोद सोनकर पर है, जिनके साथ राजा भैया के रिश्तों की चर्चा खूब है। खैर, अब आगे राजा भैया का गणित सुनिए कि अगर सीटें फंस रही हैं तो क्या पीएम मोदी भी फंस रहे हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी की ओर से ताल ठोंक कर ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भयंकर अंदाज में जीत की हैट्रिक लगाएंगे। तो सुनिए राजा भैया क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो होने वाला है, यानी उनकी हैट्रिक और 400 पार। अब इस पे थोड़े दिन हमको और अध्ययन करने का मौका दीजिए, तब बता मतलब पूरे 7 चरण के बाद जी। अभी न मन में किसी को लेकर द्वेष, ना मन में किसी को लेकर समर्थन, नहीं कोई अवसाद, नहीं कोई अवसाद, एकदम निश्चिंत हैं। राजा भैया कहते हैं कि अभी इंतजार कीजिए, पहले पूरा चुनाव होने दीजिए। तो क्या राजा भैया संकेत कर रहे हैं, क्या उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी का तीसरी बार पीएम बनने का दावा धरा रह जाएगा, या राजा भैया का कोई और मतलब था? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय राजा भैया के इस बयान पर जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।